लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। अट्टू, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? पागल हो का? बाहर किसी को पता चलेगा कि तुम दोनों आपस में से लड़ रहे हो तो पता है ना क्या होगा, तो अम्मा की क्या बदनामी होगी। अरे इज्जत बचाए खातिर चुप थे, वरना ये जो काम किए थे ना, भरी पंचायत मार देने। तो तू हमारे फैसले के खिलाफ जाता? देखिए ना अम्मा, ये भुवन हमें कह रहा है कि हमने तारक वो दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। ये अंतिम बार है जो का नाम ही घर में लिया गया। आज के बाद उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। कावेरी, कमरे में आ। जी अम्मा। जब तू हवेली जाके वो चाबी ला सकती है तो उसे दवाई का क्या करना? अरे वो चाबी है, हवेली का कोई फूल नहीं है जो जाके तोड़ के ले आए। और वैसे भी वो चाबी ना भुवन अपने जेब में छुपा के रखता है, और भुवन के जेब में हाथ डालना मतलब सांप के बिल में हाथ डालना, यहाँ तो है ही नहीं। तो तू उससे डर रही है? अरे हम डरेंगे काहे, हमसे सावधानी बरत रहे। और वैसे भी अम्मा जी की बहू है ना तारा, उसका अभी भी विस्थापन हुआ है, और ये बात का सबसे ज्यादा दुख ना वो भुवन को हुआ है। चाबी ढूंढते हुए अगर हम पकड़े गए ना तो सारा गुस्सा वो हम पर उतारेगा, तो ये सब में पढ़ना ही का है। ये अगर सीधी उंगली से निकल सकती तो टेढ़ी का है करनी। मिल का ही नहीं रहा है। ये रही उधवा, पर इससे होगा का? ये बेहोशी का दवाई है। पर तू ये दवा अगर भुवन को एक बार कैसे भी करके हम पिला दिए ना वो बेहोश हो जाएगा, और अगर भुवन बेहोश हो जाएगा ना तो उसका जेब से हमको वो चाबी मिल जाएगी, और अगर वो चाबी मिल जाएगी ना तो सारा हिसाब किताब पता चल जाएगा। देख रानी, हमको ना ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ये भक्त ना हम तरीके का नहीं नतीजे का सोच रहे। भुवन का चोरी तो हमको पकड़ना है, आएगा ही नहीं अभी तक, कहीं जल्दी तो नहीं आ गए? लगता है आ गया। ए, सुनो, ये भुवन कहीं नहीं आया अब तक? मालिक बोलो। हाँ वही, भुवन मालिक कहीं नहीं आया? आज काम करने का जी नहीं कर रहा था, वो आज नहीं आएंगे। लो, तेरी तिगड़म बनाने से पहले ही खत्म हो गई। हाँ भुवन आएगा, ना वो दवाई पिएगा, ना वो बेहोश होगा, और ना चाबी मिलेगी। गलती हमारी है, हम भी ना, हम तो इंतजार कर रहे कि कुआं हमारे पास आएगा, जबकि प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए। अब तू भुवन के पास आएगी? देख, तू उनकी हवेली तक जा सकती है, पर भुवन के कमरे में कैसे जाएगी? ये भी सोचने वाला बात है। सुनो, तुम दोनों में से खाना किसको बनाने आता है? क्यों, तुम रिश्ता लेकर आए हो? हवेली में एक लड़की की जरूरत है जो कावेरी जीजी की खाना बनाने में मदद कर सके। तारा भाभी के जाने के बाद रसोई का सारा काम उन पर आ गया है, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, तुम ना किसी और को। खाना बनाना है ना? अरे बनाएंगे ना खाना, काहे नहीं बनाएंगे। अरे मम्मी, तुझे याद है ना पुत्तन की शादी में पूरा दावत हम बनाए थे? ये बता ना कितना अच्छा खाना बनाए थे। हाँ हाँ, इतना अच्छा बनाई थी कि खाना ही कम पड़ गया था। देखा,
कहाँ जाना है, चलो खाना बनाते। तो चलो हमारे साथ। हम यहाँ आ तो गए पर हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं है। पर सच में खाना बनाना पड़ गया तो? तू तो वो चाबुक वाली है ना? हाँ हाँ, कभी चाबुक वाली, कभी हसिया वाली, कभी खुरपी वाली, आज हम करछी वाली है। का मतलब? मतलब हम यहाँ काम करने आए हैं, रसोई में ना आपका हाथ बटाने आए हैं। अच्छा, भोला ने भेजा है तुझे? खाना बनाना आता है? आता है ना, अरे सब सीखे हम। लेकिन वो आज पहला दिन है ना, तो जरा अगर आप हाथ बटा देती, मतलब पहले दिन से साथ रहती तो ठीक रहता। अभी तो हमने सब बना लिया है, वो आटा रखा है, आटा गूंदे। क्या हुआ, क्या सोच रही है? देखिए रोटी कैसे बनाए। क्या, रोटी बनानी नहीं आती? नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि वो रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा ना, आटा खाए। बताया तो वो रखा है आटा। वैसे आप आटा कैसे गूंथती हैं? क्या, आटा गूंदना नहीं आता? नहीं नहीं नहीं, आता है ना, मतलब गीला आटा गूंथती है कि सूखा आटा गूंथती है? कैसे गूंथती है, पानी कितना डलता है? आटे में एक लोटा पानी। क्या हुआ, लोटा नहीं मिला अभी तक? नहीं, वो ढूंढ रहे हैं। ये तारा भी ना सारे बर्तन पता नहीं कहाँ रख दिए। जब पूछ क्या तारा से? तो तारा भाभी की बहुत याद आती होगी ना? याद तो आएगी ही, हम दोनों का सारा दिन रसोई में ही निकल जाता था। बिना रसोई में काम करने का मन ही नहीं करता। तारा के जाने से सबसे ज्यादा उदास तो भुवन है। आज तो बहुत गुस्से में है, किसी से बात भी नहीं किया और आज तो कमरे से बाहर ही नहीं निकला। बहुत मानता था तारा को, अपने दिल की सारी बातें उससे किया करता था। वैसे कहाँ है अभी भुवन मलिक? कमरे में है, उन्हीं के लिए तो ये चाय बनाए हैं। जी, पहले चाय दे के आते हैं। कावेरी भाभी, आपका कपड़ा गंदा हो गया है, ये देखिए। नहीं दीजिए दीजिए, आप अपना कपड़ा साफ कीजिए, काम करते हैं, भुवन मालिक को हम चाय दे आते हैं। कमरा देखा है भुवन का? ढूंढ लेंगे। ठीक है। हूँ अपना कमरा में, भूस पड़ा रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वहाँ देखने आए थे, कहीं चूल्हे पे कुछ रखा तो नहीं है? तेरे हाथ में दो प्याली? हम सोचे थे कि काम शुरू करने से पहले हम भी जरा एक एक प्याली चाय पी लें। ठीक है। तू काया है यहाँ पे? अब तुम इतने प्यार से याद किए हो तो आएंगे ही ना? तेरा दिमाग खराब हो गया का? हम तुझे काहे याद करेंगे? काहे कि जब जब हम मिले हैं ना, हम तुम पे हुक्का पानी लेके चढ़ाए ही किए। देख तू ना अपनी बकवास बंद कर और जा यहाँ से, हमने दिमाग घुमा हुआ है, कुछ उलट सुलट कर देंगे। अरे उलट सुलट ना करो, इन्हीं लिए तो गर्मा गर्म चाय लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा दिमाग ना एकदम तरोताजा हो। अब तू रसोई में भी पहुँच गई, पहले कोठरी फिर रसोई और अब हमारा कमरा। का चल कर रहा है? पलट के चल रही है,
पहले कोठरी, फिर रसोई, दोनों की जिम्मेदारी ना अब हमारे हाथ में है। खाना बनाने आए हैं यहाँ? खाना बनाने आए हैं? तुझे खाना बनाना आता है? हाँ। तुझे ना बस बेवकूफ बनाना आता है। तू जैसे के झांसे में ना भुवन कभी नहीं आएगा। सच सच बता, काहे आए हैं आप? अरे हम बताए ना हम काहे आए। कावेरी जीजी को ना मदद की जरूरत थी रसोई में। सितारा भाभी गई है ना, अकेली सी पड़ गई हूँ। अरे सारा काम उन पर आ गया है, इसलिए वो किसी को ढूंढ रही थी कोई मदद कर दे, वो हमको बुला ली तो हम आ गए। वैसे तुम फिक्र मत करो, ये चाय हम नहीं बनाए, ये कावेरी जीजी बनाई है, पी लो। यहाँ रख दो, चली जा। अरे तनी रुको जरा, चले जाएंगे, हमारा चाय भी है। अरे हम भी तो देखे बड़े घर का चाय का स्वाद कहाँ होता। ये लो तुम्हारी चाय और ये हमारी चाय, पियो पियो, चाय पियो। लो 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 लो, अरे पियो ना। हमका ना चना चाहिए। चने? हाँ, अब चाय पिला रही है तो फिर बढ़िया से पिलाना, चना लेके। अच्छा ठीक है। तेरी कौन बात भरोसे लायक नहीं है, जलते तबे पे भी बैठ के बोलेगी ना तो भरोसा नहीं करेंगे तेरे। ये रहे तुम्हारे चने और ये रही तुम्हारी चाय। अभी चना और ये चाय पी लो, मजा करो। कहा है कि कावेरी जी बता रही थी कि तुम तारा भाभी को ए, हमको तारा भाभी के बारे में तेरे से कोनो बात नहीं करनी। चुपचाप अपनी चाय खत्म करो, जाए यहाँ से। हम भड़क गए रहे हो, चले जाएंगे चाय पीके। तुम चाय तो पियो। सैया सैया जी मोर पिया जी, सैया सैया जी मोर पिया जी, कैसे निभाऊं तोरी प्रीत पिया जी, सैया सैया जी। चना खाने, चना खाने, चना खाना है। थोड़ा सा संग पुष्पी खाए होते ना तो हमरे जैसा तेज दिमाग पाते। हम जानते थे कि तुम्हारा ये जो डब्बा जैसा खाली दिमाग है ना वो तुम चलाओगे जरूर, इसलिए हम दवा वाली जो चाय की कुल्हड़ है ना वो हमने अपने पास पहले से ही रख लिए थे, क्योंकि हम जानते थे कि तुम उसको बदली जरूर करोगे ताकि तुम्हारे पास चाय वाली दवा वापस आए, समझे? धनिका बंदा अपने आपको चाबी कहाँ रखी है? चेहरा तो देखकर मारना चाहिए था, जिस सूरत को देखकर लड़कियों की सीरत बिगड़ जाती है, तू वो सूरत बिगाड़ने चली थी।
अरे भाई बहुत भजन है। ये चाबी कहाँ? देखो हम चोरी नहीं किए, हमको सिर्फ अलमारी का चाबी चाहिए था ताकि हम पूरा हिसाब जान सके। तुम ही कहे थे ना हमको कि दो दिन में तुम्हारा गल अखियों ने तेरी किया ऐसा जादू, अखियों ने तेरी किया ऐसा जादू, धड़के दिल खुद पे काबू। हे भगवान, हम भी चोरों की तरह चोरी करते करते ना डरने लगे हैं कि नहीं एक बार असली चोर को अम्मा जी के सामने ले आए ना, फिर डरने की जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद। हमको चुनौती दे रहा था, चोरी करके सीना जोरी कर रहा था, सापी गड़बड़ी निकाल के सीधा अम्मा जी के पास जाएंगे और बोल देंगे कि आपका बेटा। जय मां हरिता। तू यहाँ क्या कर रही है? हम ना कावेरी जी का हाथ बटाने आए थे, कहे कि जब से तारा भाभी गई है ना तो वो थोड़ी अकेली सी हो गई है, तो उनको रसोई में सहारा मिलता है ना। वैसे हम कोई रसोईया भी भेजने वाले थे, लेकिन फिर हम सोचे कि औरत की जगह तो एक औरत ही ले सकती है, मतलब हाथ बटाने में, तो इसलिए। अच्छा लगा जान के कि तुझे प्रथा के साथ साथ हमारे परिवार की भी चिंता लगी रहती है। अच्छा लगा सुन के कि तू प्रथा के साथ साथ घर की भी जिम्मेवारी अच्छे से संभाल सकेगी। जी अभी हम चलते हैं अम्मा जी, वो भोली को आम बहुत पसंद है ना, तो उसके लिए आम लेने जा रहे हैं। तुझे कैसे पता भोली को आम पसंद है? आम किस बच्चे को पसंद नहीं है अम्मा जी? अब वो बच्चा बड़े घर का हो कि छोटे घर का, आम तो सबको पसंद है और बचपन भी सबका एक ही जैसा जाता है ना। अब जब हम भी छुटके थे ना तो हमको भी आम बहुत पसंद था, तो हम जाते हैं। जय मां हरिता। अच्छी लड़की है ना अम्मा, कल तक अनाज और प्रसाद का काम संभाल रही थी, अब से रसोई भी संभालेगी। जल्दी जल्दी भाग रानी, ये भुवन को होश आ गया ना तो हो क्या काम। चाबी संभाल के रखा करो, क्योंकि चाबी सिर्फ ताले ही नहीं कई राज भी खोल सकत है। ये चाबी
देखने में तो जानी पहचानी सी लग रही है। लगता है जैसे इसी हवेली की तालिक ही है का? हाँ है, यही हवेली की है। अच्छा, अम्मा कंगन के साथ साथ चाबी भी दे दिए का? नहीं तो, ये हम चुराए हैं भुवन से, ताकि उसकी अलमारी से हम पुराना अनाज का हिसाब निकाल सके। ये पुराना हिसाब का है देख रही है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि इतने महीने से अनाज की चोरी हम कर रहे हैं? तो चुरा का ही नहीं, चाबी चाहिए थी तो भुवन से मांग लेती। अच्छा, हम मांग लेते और वो दे देता। हमको पूरा शक है कि तुम्हारा भाई ही है जो अनाज की चोरी कर रहा है, और उसको साबित करने के लिए हमको सबूत चाहिए। इसलिए ये चाबी चोरी किए हैं। सारा सबूत इकट्ठा करते ही अम्मा जी के पास जाएंगे हम। का किस्मत भाई, अरे दुष्यंत, चोरी किया तू पर पकड़ा जाएगा भुवन। गजब,